कंडोम बाबा का ढाबा। जी हाँ, सही सुना है आपने। वैसे आपने काके का ढाबा, लक्की का ढाबा, चिंटू का ढाबा ये सब तो सुना ही होगा ना, लेकिन कंडोम बाबा का ढाबा शायद हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का पहला ऐसा ढाबा होगा। तो चलिए मिलते हैं इस ढाबे के मालिक से, यानी कि कंडोम बाबा से। कंडोम बाबा, सबसे पहले हम आपसे आपके ढाबे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमें अपने ढाबे के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं हूँ कंडोम बाबा, ये है मेरा यानी कंडोम बाबा का ढाबा। ये मैंने नई होटल खोली है हाईवे पर, ताकि प्रतापपुर वासी और हाईवे पर सफर करने वाले दोनों को इससे फायदा हो। जी, लेकिन कंडोम बाबा, आपके इस ढाबे में नई बात क्या है? ये तो लोग ही बताएंगे। आइए भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? जी, माधव। माधव, तो माधव आप हमें ये बताइए कि आपको इस ढाबे का खाना कैसा लगता है? एकदम फर्स्ट क्लास मैडम, मन और पेट दोनों भर गया। और इस ढाबे की तो खास बात एक और है कि यहाँ पर उल्टा खाने वाले को टिप दिया जाता है। अब खाने वाले को टिप दिया जाता है, वो कैसे? वो क्या है ना मैडम कि 100 रुपए के बिल पे 2 महंगे वाले कंडोम बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं, यानी कि दुविधा का भी समाधान और भोजन भी भरपेट। दुविधा का समाधान, मैं कुछ समझी नहीं, किस दुविधा की बात कर रहे हैं आप? क्या है मैडम ना कि हम दवा की दुकान तक तो चले जाते हैं कंडोम खरीदने, लेकिन यदि वहाँ से पहले से कोई ग्राहक खड़ा होता है तो थोड़ा शर्म आती है कंडोम खरीदने में, इसलिए वहाँ से लेमन चूस की गोली लेके हम सीधे घर चले आते हैं और फिर बिना कंडोम के ही। जबकि मैडम ये हम जानते हैं कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। माधव, एक सवाल पूछूं तुमसे? अब बिल्कुल पूछिए ना। जब कहा नहीं जाता तो करा कैसे जाता है? डिपोर्ट में खेत के लिए कीटनाशक की मांग छाती ठोक के कर दिया, फिर कंडोम मांगने में शर्म क्यों? जी वो कंडोम से अनचाहा गर्भ नहीं होता और ये HIV जैसे बीमारी को फैलने से रोकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि डबल सुरक्षा और डबल प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल सही, आइए हम आपको दूसरे से मिलाते हैं। जी जरूर। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? जी हमीद। हमीद, तो हमीद आप हमें बताइए कि आपको इस ढाबे की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? खाने का तो जवाब नहीं, महंगा भी नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे वाला कमरा वो बेस्ट है। पर्दे के पीछे वाला कमरा, ये क्या है? वहाँ तस्वीरें टंगी हैं जो ये बताती हैं कि कंडोम पहनने का सही तरीका क्या है, वरना जब डॉक्टर अपने अंगूठे में चढ़ाकर बताते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैं भी हो गया था। क्या बात है हमें, इतना खुलकर तुमने बता दिया। कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, कुछ लोग नादानी में इसके बारे में गलत फहमियां पाल लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कंडोम बाबा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने यहाँ पर कंडोम के कुछ मेन्यू रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कंडोम्स हैं। जी हाँ, जिसको जैसा चाहे वो उसका नंबर लिख के देता है, कागज के पैकेट में हम उसे डाल के दे देते हैं। जी, और हमने सुना है कि आपके ढाबे में एक परिवार कक्ष यानी कि फैमिली सेक्शन भी है। जी बिल्कुल सही सुना है, हम आपको उनसे भी मिला लेते हैं। जी आई, आई। नमस्कार। नमस्कार। आइए। अब कंडोम बाबा जी, ये है मेरी जोरू साहिबा और मैं संदीप। क्या बात है, पहले अपनी बीवी का नाम लिया फिर अपना। जी हाँ, इसे कहते हैं स्नेह समझदारी का और रिश्ता बराबरी का। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैडम। अब संदीप, आप हमें ये बताइए कि आपका इस ढाबे पे कैसे आना हुआ? देखिए, हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए हम अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाने यहाँ आए हैं। तीसरी सालगिरह नई नई शादी की, वाकई आप दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हैं। बाबा जी, हम अमीर तो नहीं हैं, पर फिर भी मजे में गुजर रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सालगिरह मनाने के लिए आपने ये ढाबा ही क्यों चुना? ये तो मेरे पति बताएंगे। जी मैडम, क्या है, हमारी अब तक कोई औलाद नहीं है,
मगर घर वाले इसके बारे में कुछ कहते नहीं है। कहते थे पर फिर मैंने उन्हें समझा दिया कि ये हमारा आपस का फैसला है, और वैसे भी अपनी मर्दानगी का सबूत मैं अपनी बीवी को दूंगा ना, दुनिया वालों को नहीं। अच्छा तो हमने तय कर लिया है कि जब तक इनका फर्नीचर का नया बिजनेस सेट नहीं हो जाता तब तक हम बच्चा नहीं करेंगे, यही कोई 1-1.5 साल तक, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मतलब बाबा जी, पहले तो हमने आपस में सुलह की और उसके बाद ये फैसला किया कि आर्थिक स्तर से जब तक हम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक हम कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए आज हम यहाँ आपके ढाबे पर आए हैं। वाह क्या बात है, तो ये आप दोनों का फैसला था। बिल्कुल मैडम, हम तो घर के छोटे छोटे खर्चों पर भी खुल के चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ कितना बचाना है वगैरह वगैरह, और फिर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, इसके ऊपर खुल के चर्चा क्यों ना हो। और अंत में बाबा जी हम तो बस इतना कहेंगे, जय हो कॉन्डम बाबा की। जय हो, जय हो। बहुत खूब, काश हर दंपत्ति की सोच आपके जैसी होती। और कॉन्डम बाबा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ढाबे के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो कॉन्डम, जय सुखी परिवार। तो ये था कॉन्डम बाबा का ढाबा। अगर आप भी चटपटा खाना खाना चाहते हैं और साथ में ज्ञान और फ्री के कॉन्डम्स चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टॉप यही है। वैसे ये सिर्फ ढाबा नहीं है बल्कि स्वास्थ्य को लेकर हो रही क्रांति का एक छोटा सा नमूना भी है। कैमरामैन दिगंबर के साथ मैं पूनम, बी चैनल से। और चलिए मैं भी अब इस ढाबे के खाने का स्वाद चख ही लेती हूँ।